आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएंगे। NH4 सवाद से MNA सुहेल सुल्तान की नाहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अदालत ने सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाहली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौकिफ अपनाया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा है कि ये एडवोकेट जनरल रहे हैं, ये एतराज इलेक्शन से पहले होना चाहिए था लेकिन उस वक्त ये नहीं किया गया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि NH4 सवाद से MNA सुहेल सुल्तान की नाहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाप्त हुई है और अदालत ने सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाहली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौकिफ अपनाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन को रेफरेंस भेजा है कि ये एडवोकेट जनरल रहे हैं, यह एतराज इलेक्शन से पहले होना चाहिए था लेकिन उस वक्त ये एतराज नहीं उठाया गया। जान लेंगे, अलिशबा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा खटक, मजीद क्या कहा गया अदालत की जानिब से? ठीक है अलिशबा, आपसे इस मुतालिक मजीद भी जानेंगे। डिस्ट्रॉशन है आपकी आवाज में। नासिन आपको बताएं कि NH4 सवाद से MNA सुहेल सुल्तान की नाहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत हुई है।